पिछले कुछ दिनों से, विशेषकर आज मैंने न्यूज़ चैनल्स पर देखा, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर जेई और नीट की परीक्षा को लेकर नई नई बातें सामने आ रही है। और इन सभी बातों से बहुत सारे, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो चिंतित हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महावीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल टुडे टॉक देख रहे हैं। टुडे टॉक में आज हम बात करने वाले हैं जेई और नीट की परीक्षा के बारे में। ये परीक्षाएं सितंबर माह में होने वाली है, तो क्या ये परीक्षाएं सितंबर में होनी चाहिए या इन परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए, या इन परीक्षाओं की जगह कोई दूसरा ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए कि इन सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन है वो हो जाए, ताकि इनका जो भविष्य है वो खतरे में ना हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जेई और नीट की परीक्षा को हरी झंडी दिखा दी, ये कहकर कि भी हम इन स्टूडेंट्स का, युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में नहीं डाल सकते हैं, आप एग्ज़ाम करवा सकते हैं। और इसी बात पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको ये हक मिला कि भी ये एग्ज़ाम वो सितंबर में भी करवा सकती है, दिसंबर में भी करवा सकती है। ये एग्ज़ाम की जो डेट है ये तय करेगा, ये तय की है NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, जो JEE और नीट के एग्ज़ाम करवाती है। तो अब NTA ने डेट फिक्स कर दी है, तो क्या ये एग्ज़ाम स्थगित नहीं हो सकते, ये पोस्टपोन नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एग्ज़ाम सितंबर में हो तभी बात बनेगी, ज़रूरी नहीं है। ये एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन करना या एग्ज़ाम है सितंबर में करवाना या एग्ज़ाम्स की जगह दूसरा कोई ऑप्शन निकालना क्यों ज़रूरी है? तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आज इंडिया के अंदर कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही रफ्तार से फैल रहा है। हम रोज़ देखते हैं कि नए नए आंकड़े हैं वो संक्रमण के सामने आ रहे हैं, और ये नए आंकड़े नए रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। ऐसे में अगर सितंबर में परीक्षा होती है तो क्या ये संक्रमण नहीं फैलेगा? क्या ये स्टूडेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्या इन स्टूडेंट्स के थ्रू भारत में संक्रमण नहीं फैलेगा? ये जो संक्रमण है इसका डर किसको नहीं है? ये स्टूडेंट्स को भी है, पेरेंट्स को भी है, पड़ोसियों को भी है, सबको इसका डर है। एग्ज़ाम सेंटर में जो एग्ज़ाम लेंगे उनको भी इस बात का डर है। तो फिर ये NTA ये एग्ज़ाम क्यों करवाना चाहता है सितंबर में, ये बड़ा सवाल है। तो भाई सितंबर में जो एग्ज़ाम NTA करवा रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केसेस है वो आ रहे हैं, वो रेड जोन है। और उन क्षेत्रों के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो JEE और नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और जो एग्ज़ाम भी देंगे, ठीक है, जब भी एग्ज़ाम होंगे, तो वो स्टूडेंट्स सितंबर में कैसे जाएंगे परीक्षा देने के लिए? क्योंकि उनके एरिया में ना तो बस सुविधा है अभी, ना वहाँ पर कोई ट्रेन सुविधा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो लगभग 250-300 किलोमीटर दूर भी है, तो इतना लंबा सफ़र है तय करना आसान नहीं है, क्योंकि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ही डरावने तरीके से संक्रमण है वो फैल रहा है। तो भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे संभव हो सकता है और एग्ज़ाम करवाने में कितना बड़ा देशवासियों के सामने खतरा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, तो एग्ज़ामों को पोस्टपोन किया जाए। एग्ज़ाम पोस्टपोन करना कितना सही है? देखो, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से कुछ चीज़ें हैं जो दिक्कतें खड़ी करती है कि भी एग्ज़ाम पोस्टपोन करेंगे तो फिर जो सेशन बचता है JEE और नीट का वो कितना रहेगा, सेशन कितना बचेगा, ठीक है, फिर बच्चे हैं उनका फ्यूचर है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो एज लिमिट है वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो एग्ज़ाम में कैसे बैठ पाएंगे, तो ऐसे कुछ सवाल है पोस्टपोन को लेकर। तो तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं एक आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो JEE IIT जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है उनके अंदर हम कुल सीटों की बात करें तो लगभग 15 लाख सीटें हैं पूरे भारत में, और 15 लाख ही परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं, तो इनका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। अब डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है तो
इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, तो एक ही तरीका है कि आप इन सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकते हैं और इंटरव्यू के आधार पर इनका मूल्यांकन है वो किया जा सकता है और इनको जो कॉलेज है वो अलॉट की जा सकती है। अब बात आती है कि इंटरव्यू कैसे संभव है इतने बड़ी तादाद का, इतने जो लाखों स्टूडेंट है उनका। तो भाई 23 जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है IIT इंडिया के अंदर, उन सब में 200-200 प्रोफेसर है और वो 200-200 प्रोफेसर अगर चाहे तो लगभग एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर एक प्रोफेसर 185 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले सकते हैं, यानी कि 185 स्टूडेंट्स का वो इंटरव्यू ले सकते हैं, वो मूल्यांकन कर सकते हैं और उस मूल्यांकन के आधार पर उन सब का एडमिशन हो सकता है। ये एक रास्ता है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इस बात को लेकर कि भी इस तरह का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कि जब भी देश के सामने कोई बड़ी समस्या आती है तो उसका समाधान भी निकालना पड़ता है और भारत में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान है वो करने में समर्थ है। तो क्यों ना JEE और NEET की परीक्षा सितंबर में ना करवा कर उसके लिए कोई उचित समाधान है वो निकाला जाए। तो देखते हैं आगे होता क्या है, JEE और NEET की एग्ज़ाम में क्या ये सितंबर में होता है, क्या ये पोस्टपोन होता है या फिर कोई ऐसा समाधान निकल कर सामने आएगा जिससे लाखों जो स्टूडेंट्स है उनको खुशी मिलेगी, उनका एडमिशन हो पाएगा। मेरा उन सभी स्टूडेंट्स से जो JEE और NEET की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे यही कहना है कि आप अपनी प्रिपरेशन, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और आप अपने जो आपका जो टारगेट है आप उस टारगेट के ऊपर फोकस कीजिए। जो भी चल रहा है उन सब बातों को उन अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। क्योंकि मैंने सुना है कि 5-6 स्टूडेंट्स जो JEE और NEET की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उन्होंने सुसाइड कर लिया है इस परीक्षा को सितंबर में होने को लेकर। तो ये बड़े दुख की बात है, ऐसी घटनाएं जो देश में है नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत एक साधन संपन्न एक विशाल देश है और इस तरह की घटनाएं होती है तो वो बड़े शर्म की बात है। तो आशा करेंगे कि भाई NTA जो है वो कोई सही रास्ता है JEE और NEET की परीक्षा का लेकर सामने आएगा और किसी की लाइफ को वायरस के इस संक्रमण के खतरे में नहीं डालेगा। तो ये था आज का टुडे टॉक का JEE और NEET के एग्ज़ाम को लेकर वीडियो। आई होप आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।